आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं, मूडाबिद्री, करवार, किट्टूर में जनसभा। कलबुर्गी में रैली से पहले पीएम ने की बच्चों से मुलाकात, बच्चों से मिलने के दौरान मजाकिया अंदाज में पीएम लिखे। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा सिर्फ वोट देने वालों को हिंदू मानते हैं पीएम, कर्नाटक में जीतेगी तो कांग्रेस। जी न्यूज से बोले अशोक गहलोत, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, फिर भी हम मुकाबला कर रहे हैं, हेट स्पीच को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी जनसभाओं को संबोधित, बीदर, साउथ गुलबर्गा में चुनावी रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर प्रियंका गांधी का जवाब, बोले जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते पीएम। कर्नाटक चुनाव में भाषा के गिरते लेवल पर चुनाव आयोग सख्त हुआ, प्रचार के दौरान सावधानी बरतने, संयम रखने की सलाह दी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करती है, ये संविधान के खिलाफ है। पहलवानों के धरने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, अब ये सरकार का विरोध हो गया है, एक परिवार का विरोध कर रहा। तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पे हमला, 2024 का चुनाव बदलाव का होगा, विपक्षी दलों से की एकजुट होने की अपील। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा, अजीत पवार बोले फैसले पर विचार के लिए शरद पवार ने मांगा 2 से 3 दिन का समय। विवादों में फंसी द केल स्टोरी की जेएनयू में हुई स्क्रीनिंग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में बोले फिल्म डायरेक्टर, सच की होगी जीत। द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग पर तनाव, स्टूडेंट ग्रुप एसएफआई ने विरोध किया है फिल्म को, बताया आरएसएस का प्रोपोगंडा। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एक और हुई गिरफ्तारी, आरोपी यूपी के रविदास नगर से गिरफ्तार। G20 बैठक को कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई सतर्कता, सुरक्षा में तैनात होंगे मार्कोस और एनएसजी कमांडोज। चार धाम यात्रा पर अगले आदेशों तक रोक, ऑरेंज अलर्ट जारी, लगातार हो रही बरसात और बर्फबारी के कारण फैसला हुआ। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, आ रहा सकता है फैसला। समलैंगिक विवाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष, याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग है। तो वहीं उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और युवक की मारपीट के बाद सियासत जो है गर्मा गई है, विपक्षी पार्टियों ने थाने में जाकर मंत्री के खिलाफ नारे किए, कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी में गंगा नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, दोस्त की शादी में आए थे युवक। राजस्थान के जयपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। इंदौर के बाणगंगा में भीषण सड़क हादसा, क्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई, एक महिला के दोनों पांव फ्रैक्चर हुए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई कार, चालक समेत 2 लोगों के डूबने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी आयोग ने की भारतीय एजेंसी पर प्रतिबंध की मांग, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया, भारत ने खारिज की रिपोर्ट। तो वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी, ऑपरेशन कावेरी के तहत 328 लोगों को वापस लाया गया। News.